दोस्तों पतंग को फ्लाइंग करते हुए इमेज को कैसे जनरेट करें। दोस्तों इस तरह का इमेज जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो दोस्तों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस तरह का इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको विंग एआई ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करिएगा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा पहले इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर इमेज क्रिएटर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपल सा जो मैं टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ सिंपल सा वो टेक्स्ट आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो मैं आपको इस टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नाम को ऐड किया। तो सिंपल सा अपना नाम को ऐड कर लीजिएगा। अगर दोस्तों कुछ चेंजेस करना चाहते हैं इस टेक्स्ट में तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। चलिए मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा देर लोडिंग लेगा दोस्तों और आपको एक 4 फ्रेम में इमेज को जनरेट करके देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं ये फ्लाइंग करते हुए मुझे इमेज जनरेट हो चुका है दोस्तों। सिंपल से जो इमेज आपको पसंद पड़ता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा नाम भी ऑलरेडी ऐड हो चुका है दोस्तों। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो 3 डॉट लाइन पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आपका गैलरी में डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा दोस्तों मैं उसे यहाँ से बैक चलना है। बैक जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको फोटो को एडिटिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनसॉर्ट का प्रयोग करता हूँ। आप भी इनसॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए मैं इनसॉर्ट को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट को मैं ले लूँगा। सिंपल सा जो इमेज को मैं जनरेट किया था सिंपल सा उस इमेज को मुझे यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर कन्वेंस वाले टूल्स पर क्लिक करके दोस्तों 9:16 रेशियो को मुझे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से इसको अच्छे तरीके से मुझे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करना चाहते हैं तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से मुझे टिक पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको एक स्टाइल्स टूल्स मिलेगा। यहाँ पर ये स्टाइल वाले पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको एक ब्लर टूल्स मिलेगा। सिंपल सा ब्लर वाले टूल्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको टूल्स सॉरी यहाँ पर बड़ी बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ग्लास इफेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लर इफेक्ट, इसमें आपको किसी प्रकार की प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। सिंपल सा इसको इस तरह से कुछ ब्लर कर लीजिएगा। ब्लर करने के बाद सही वाले टिक पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक स्टिकर वाले ऑप्शन दिखेगा। तो स्टिकर वाले पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आपको गैलरी को ओपन कर लेगा। गैलरी को जैसे ओपन करिएगा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से उसी फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको अच्छे तरीके से इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना और अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा मैं कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं बैक चलता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। यहाँ से मैं कैपकट का भी यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से सिंपल सा मुझे VPN को यहाँ से ऑन कर लूँगा। VPN को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद देन यहाँ से मुझे बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद दोस्तों अब मुझे गूगल को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर सर्च करना है थाईलैंड। देख सकते हैं थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। सिंपल सा इस पर मुझे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये देख सकते हैं यूज ए टेम्पलेट इन कैपकट। तो ये आपको कैपकट में ले जाएगा। तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कैपकट में आपका लेके आ गया है। तो सिंपल से यहाँ पर यूज ए टेम्पलेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिस इमेज को आपने वहाँ से इनसॉर्ट से डाउनलोड किया था। तो सिंपल से यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये कन्वर्ट सॉरी ये वीडियो में तो देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे इसको गैलरी में सेव करना है। तो सिंपल से आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। तो सिंपल सा दोस्तों आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए। अगर वाटरमार्क चाहिए तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करिएगा और वाटरमार्क नहीं चाहिए तो सिंपल सा एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क सिंपल सा इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा देख सकते हैं ये आपका गैलरी में सेव होने लगा है दोस्तों। तो सिंपल सा दोस्तों
वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई।